ये आपके सामने एक फिगर है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन आप सभी इसे ध्यान से देखते रहना, ठीक है ना। बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आप एक बार वीडियो रोक करके फिगर पहले देख लो, और इसमें पूछा हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ ब्लू सर्कल, ठीक है। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है, मैं पहले इसका नाम लिख लेता हूँ, उसके बाद मैं आगे की वीडियो स्टार्ट करता हूँ, ठीक है ना? ये आपके सामने मैंने नेमिंग कर दिया हुआ है, ए बी सी डी ई एफ जो जो पॉइंट बन रहे थे, ठीक है। आप इसमें देख सकते हो कि एंगल ए 90 डिग्री, एंगल बी यहाँ पर जो बन रहा है वो भी 90 डिग्री, सी के पास जो बन रहा है वो भी 90 डिग्री, तो डी वाला एंगल भी 90 डिग्री होगा। कहने का मतलब ये है मेरा कि ए बी सी डी एक रेक्टेंगल होगा। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। एफ डी ई जो त्रिभुज है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। आप सब मेरी बात से ये सहमत होंगे कि जो सी डी की लंबाई होगी, ठीक है ना, रेक्टेंगल की जो साइड है, जो सी डी की लंबाई होगी वो ए एफ और एफ बी के बराबर होगी, ठीक है। तो हम यही काम यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है। हमने मान लिया कि ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसकी साइड कितनी है, स्मॉल ए है, क्लियर है, ठीक है। तो आप एक बात बताना कि यहाँ पर ये वाला जो है ये भी एक ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। आप यहाँ पर देख के बताना, डी ई सी ट्रायंगल, डी ई सी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है, क्लियर होगा। तो इसमें हम हाइपोटेनस जो पाइथागोरस थ्योरम है वो लगाने वाले हैं और सी डी की वैल्यू निकालने वाले हैं, ठीक है ना। तो आप बताना कि जो सी डी की वैल्यू होगी, क्योंकि सी डी इज इक्वल टू, आप बता सकते हो कि ए एफ प्लस एफ बी इतना होगा, ठीक है। अब उसके बाद आ जाते हैं कि इसमें सी डी की वैल्यू कैसे निकलेगी। ये आपको दिख रहा होगा कि ये लंब है, परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर इज इक्वल टू होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, ठीक है ना, यानी कि ए स्क्वायर माइनस 4, ये अंडर रूट में हो जाएगा, इज इक्वल टू ए एफ। अब आ जाते हैं ए एफ कैसे निकलेगा, मीन्स ये वाला, इस वाले ट्रायंगल में, ठीक है ना। इस वाले ट्रायंगल में एक बात बताना है कि ये जो है डी एफ, ये क्या त्रिभुज की भुजा है, क्या ट्रायंगल की साइड है, ठीक है। जो ट्रायंगल इक्विलेटरल था डी ई एफ, अगर ये ए है तो ये वाली भी साइड ए होगी। तो इसमें अगर हम इसकी वैल्यू निकालना चाहें एक्स की, मीन्स ए एफ की वैल्यू, तो आ जाएगा वो ए स्क्वायर माइनस 9, इसकी वैल्यू आ जाएगी। फिर यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम ही लग रहा है, ठीक है। तो इस बात को समझते रहिएगा कि जो ए एफ की वैल्यू है वो आ जाएगी ए स्क्वायर माइनस 9 अंडर रूट में, ठीक है। एफ बी की वैल्यू इस वाले ट्रायंगल में, आप देखिएगा फिर से ध्यान से, इस वाले ट्रायंगल में यहाँ पे जो ट्रायंगल बन रहा है एफ बी ई, मैं फिर से नाम पढ़ दे रहा हूँ, एफ बी ई, इसमें अगर हम एफ बी की वैल्यू निकालेंगे, मतलब आधार आपको जो भी दिख रहा होगा, तो ये जो एफ ई है ये भी साइड ए है, ठीक है ना। ये जो 5 है ये पूरी की लंबाई दी गई है, ठीक है ना। यहाँ पे ये इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, इसलिए 5 को मोटा लिखा हुआ होगा फिगर में, आप देख सकते हो, और 2 पतला लिखा हुआ है, मतलब ये वाली साइड 2 है, ठीक है ना, ऐसा कुछ लिखा गया है। ये 3 होगा तो यहाँ से यहाँ तक भी 3 होगा, ठीक है, ऐसा वो दिखाना चाह रहा है, ठीक है। तो एफ बी की वैल्यू क्या होगी, ये जो होगा ए स्क्वायर माइनस 25, ठीक है, ये हो जाएगा अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस 25, इतना क्लियर है। अब इसको हम क्या करते हैं, दोनों साइड स्क्वायर कर लेते हैं और ए की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। बोथ साइड अगर हम स्क्वायर करते हैं, तो मैं इसको छोटा कर देता हूं अभी लिखने के लिए, भाई टेढ़ा नहीं जा, ठीक है ना। देखो यहां से आप ए की वैल्यू फाइंड कर लोगे, बाकी आपका आंसर आ जाने वाला है, लेकिन उसके बाद भी एक फॉर्मूला होगा, इसलिए इसको ध्यान से देखते रहना, ठीक है ना, क्योंकि आप इक्विलेटरल ट्रायंगल में, अगर इन सर्कल की अगर मैं बात करूँ एरिया, उसके लिए भी फॉर्मूला चाहिए, ठीक है। यहाँ पे दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 9 प्लस ए स्क्वायर माइनस 25, ठीक है, प्लस होगा, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे 2 टर्म थे, तो 2 टाइम अंडर रूट में ए इंटू बी करेंगे, ठीक है ना, यानी कि इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा ए टू द पावर 4 माइनस 9 ए स्क्वायर माइनस 25 ए स्क्वायर, यानी कि 34 ए स्क्वायर और 25 नवा 225 प्लस का हो जाएगा, ठीक है, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है, 25 नौ 34, 34 को इधर भेजेंगे तो बच जाएगा 30, ये ए स्क्वायर इधर का आएगा तो माइनस का ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और इधर बच जाएगा 2 अंडर रूट में ए टू द पावर 4 माइनस 34 ए स्क्वायर प्लस 225, इतनी बात बच जाएगी, ठीक है। फिर से एक बार स्क्वायर कर लेते हैं दोनों साइड,
ये हो जाएगा, इस बार आंसर आ जाने वाला है, ठीक है, इसलिए घबराइएगा नहीं। 30 दूना के 60, 60 ए स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 4, आपका 4 का मल्टीप्लाई इस रूट हट जाएगा, 4a⁴ माइनस 136a² + 900, ठीक है, दोनों साइड 900 कट जाएगा। अब क्या करते हैं, 8⁴ को इधर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा 3a⁴, 136a² को इधर ला लेते हैं, तो 60 76, 76a² बचेगा, ए स्क्वायर से 8⁴ कट जाएगा दो बार में, यानी कि यहाँ से ए स्क्वायर की वैल्यू 76/3 आपको दिख रही होगी, ठीक है, ए स्क्वायर की वैल्यू आई है, और ए क्या है, समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड, ठीक है, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड है, अगर उसके अंदर सर्किल की एक सर्किल हो, अगर उसका एरिया हमें फाइंड करना होता है, तो एरिया जो होता है वो क्या होता है, पाई ए स्क्वायर अपान 12, ठीक है, ए स्क्वायर की वैल्यू हम लोग ऑलरेडी 76/3 फाइंड कर चुके हैं, ठीक है, तो 76/3 रखेंगे यहाँ पे ए स्क्वायर की वैल्यू, और नीचे 12 भी है, ठीक है, और पाई आएगा, ठीक है, तो ये कट जाएगा 4 से 3 बार में, और 4 से कट जाएगा 19 बार में, 19/9 पाई इसका आंसर आ रहा है, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। मैंने कुछ नहीं किया, बस एक सिंपल सी प्रॉपर्टी लगा दी रेक्टेंगल की, ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर होती है, ठीक है। तो ये जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो अगर हम पहले से सोचे नहीं रहते हैं, या पहले से नहीं देखे रहते हैं, या हमारा ऑब्जर्वेशन वीक होता है, तो हमें उस टाइम समझ में नहीं आता है कि कैसे सॉल्व करें। इसलिए आप लोग हर एक तरह के क्वेश्चन सॉल्व करते रहा करिए, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि मैंने कैसे इसको सॉल्व किया हुआ है। चलो, थैंक यू।